नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में अब बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब साफ तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर सुनवाई करने का मन बना लिया है। जी हां, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार और ममता सरकार से लेकर चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बंगाल में हुई हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। जो हाँ, सुप्रीम कोर्ट बंगाल में लगातार जो पिछले लंबे समय से हंगामा किया जा रहा था, हिंसा का तांडव किया जा रहा था, उसकी सुनवाई के लिए अब राजी हो गया है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार और बंगाल की ममता सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। जो हाँ, हाल ही में आपको बताते चले कि बंगाल हाईकोर्ट की ओर से भी एनएचआरसी को बड़ा आदेश देते हुए बंगाल की जो तमाम हिंसा का तांडव बंगाल में मचा हुआ था, उसकी रिपोर्ट की मांग की गई थी। जिसके बाद जिस तरीके से हमने तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी कि कैसे एनएचआरसी की टीम की ओर से बंगाल का दौरा किया गया था और बंगाल में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद उनकी शिकायतों पर अमल किया गया था, और जिसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाकर उन्होंने हाईकोर्ट को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर यह खुलासा भी हुआ था कि बंगाल में जो तमाम तरह की हिंसक घटनाएं हो रही है वो सुनियोजित घटनाएं थी। जहां हालांकि ममता बनर्जी लगातार इसको छुटपुट घटना का नाम देती हुई जरूर दिखाई पड़ रही हो, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में, एनएचआरसी की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह खुलासा हो गया था कि बंगाल में पिछले कई महीनों से, या यूं कहा जाए चुनाव के बाद से, जो खासतौर पर हिंसा शुरू हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी जो कि ममता सरकार की ओर से की गई थी। जी हां, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्ष के नेताओं से लेकर कई बुद्धिजीवियों ने भी बंगाल की हिंसा पर ममता सरकार से कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन ममता बनर्जी लगातार नदारद बनी हुई थी और सिर्फ अपने टीएमसी गुंडों को बढ़ावा देने का काम कर रही थी, और यही बड़ी वजह थी कि लगातार बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। और इसी कड़ी में तमाम शिकायतें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही थी। जी, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें साफ तौर पर बंगाल में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली एक याचिका पर अब विचार करने का मन बनाया है। जहां जिस तरीके से लगातार 2 मई के बाद से ही हिंसा का तांडव बंगाल में जारी है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी अपना हस्तक्षेप कर रही है, और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार से लेकर बंगाल सरकार से लेकर जो चुनाव आयोग की टीम से तमाम रिपोर्ट मांगी गई है कि अब तक आखिर क्यों नहीं बंगाल में जो पिछले एक लंबे समय से हिंसा का तांडव चल रहा था इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल ममता सरकार से पूछा है। दरअसल आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दाखिल की गई थी, जिसमें साफ तौर पर बंगाल में विशेष तौर पर हिंदुओं को मारे जाने पर, हिंदुओं पर और दलित समाज पर अत्याचार करने को लेकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, और बंगाल में धारा 355 और धारा 356 लागू करने के भी निर्देश दिए गए थे। जी हाँ, और याचिका में आपको बताते चले कि केंद्र सरकार से ये मांग की गई थी कि आंतरिक अशांति से बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता के सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात करने का निर्देश दिया जाए, ताकि जो बंगाल में हिंसा लंबे समय से चल रही है इसको रोका जा सके। जी हाँ, और इसके अलावा जनहित याचिका में यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसके कारणों और कारणों की जांच के लिए भी एक विशेष जांच टीम बनाई जाए, और एसआईटी का गठन करने के बाद बंगाल में जो हिंसक घटनाएं लगातार सामने आई है उस पूरे मामले की छानबीन की जाए। इसके अलावा आपको बताते चले कि न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और भारत में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के सदस्यों को मुआवजे की प्रकृति का भी पता लगाने का आदेश दिया गया है, और किस तरीके से मुआवजे का बंटवारा किया गया है इस पर भी जांच करने की मांग लगातार की गई है। आपको बताते चले कि याचिका में साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि बीजेपी पर हमले किए गए हैं, और जो बीजेपी समर्थक लोग थे उनके साथ भी अत्याचार किया गया है। जो तमाम हिंसक घटनाएं बंगाल में पिछले कई दिनों से हो रही है, इसका जिक्र इस याचिका में किया गया है, और
साफ तौर पर केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। हालांकि लगातार अब लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो हाल बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है उसको देखते हुए साफ तौर पर बंगाल का विभाजन होना चाहिए, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया था उसी तरीके से बंगाल के भी तीन टुकड़ों को उसे बांटकर उसमें विकास की बहार को लाना चाहिए। जहां जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी ने अपने इशारों पर तमाम प्रशासनिक अमले से लेकर स्वास्थ्य विभाग को काम पे लगा रखा है, आपको बताते चले कि यही बड़ी वजह है कि लगातार पुलिस प्रशासन से लेकर बड़े तमाम आला अधिकारी बंगाल की हिंसक घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिसको देखते हुए साफ तौर पर केंद्र सरकार हालांकि कई बार फटकार लगा चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट भी ममता सरकार को बंगाल में लगातार बढ़ रही हिंसा घटनाओं पर हस्तक्षेप करने की बात कह चुकी है। लेकिन आपको बता दे कि ममता बनर्जी लगातार अपनी चुनाव की खींच दिखाती हुई दिखाई पड़ रही है, यही बड़ी वजह है कि आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो अब जाहिर तौर पर ही कहना लाजमी होगा कि बंगाल में जो लगातार तानाशाह का राज ममता बनर्जी अभी तक करती हुई आ रही थी वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर अब जब केंद्र सरकार की टीम, चुनाव आयोग की टीम और ममता सरकार से हालांकि रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन ममता सरकार हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट को एक बार फिर से मैनिपुलेट करके सबके सामने पेश करेगी। लेकिन आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट सबके सामने है, NHRC की रिपोर्ट सबके सामने है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा फैसला लेगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बड़ी तमाम कार्रवाई से बचने के लिए एक के बाद एक बंगाल में बड़े झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और आपको ये भी बताते चले जो केंद्र सरकार के पास जो याचिका दायर की गई थी उसमें साफ़तौर पर ये भी आरोप लगाए गए थे कि चुनाव के दौरान मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने और उन्हें एकजुट रहने और उनके बेहतर भविष्य के लिए पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए भी सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम यहां पर किया गया था। इसको देखते हुए साफ तौर पर अब बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि NHRC की टीम जो लगातार बंगाल में हिंसक घटनाओं का मुआयना कर रही थी, किस तरीके से जादवपुर में उनके साथ मारपीट की गई थी हमने देखा था, और किस तरीके से लगातार TMC के गुंडे और TMC के समर्थक बंगाल में सिर्फ और सिर्फ आगजनी और हिंसा का तांडव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हम सब ने देखा। लेकिन यही बड़ी वजह है कि तमाम शिकायतें कभी हाईकोर्ट से लेकर केंद्र सरकार से लेकर अब चुनाव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है, और यह बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब साफ तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड की तमाम तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि कैसे ममता के सरकार में, ममता शासन में कैसे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से झूठे आरोप लगाकर मामूली सी बयानबाजी को लेकर बीजेपी नेताओं को जेल के अंदर करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई हम सबने देखा है। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की अघोषित इमरजेंसी, ये अघोषित आपातकाल की जो स्थिति बंगाल में बनी हुई है बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर बंगाल में अब वो दिन आ चुका है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल की स्थितियों को लेकर अपना फैसला करने का मन बनाया, और इस पर एक बार फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, हालांकि लगातार तमाम रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक कर चुन चुन कर वहां पर घरों को जलाया गया है, किस तरीके से बीजेपी नेताओं की दुकानों और घरों में आग लगाई गई है, किस तरीके से महिलाओं के साथ लगातार खुलेआम बलात्कार किया गया, और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ TMC का समर्थन ना करने पर कैसे मासूम बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। साफ तौर पर हमने दिखाया था कि कैसे ममता सरकार ने 2 मई के बाद जब सरकार उनकी बनी थी किस तरीके से अपनी हार की खींच वो निकालती हुई दिखाई पड़ रही है हम सबके सामने। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो लगातार कश्मीर को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ती हैं, लेकिन खुद जिस तरीके से बंगाल को कश्मीर पार्ट 2 बनाने में लगी हुई हैं, अब उनकी जो ये राजनीति है ये अब और नहीं चलने वाली, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अब ये आदेश दे दिए गए हैं कि जो बंगाल में पिछले लंबे समय से हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बंगाल को
लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अब तक, हालांकि राष्ट्रपति शासन का गाना उन्होंने बहुत सुना होगा, लेकिन अब आपको बताते चले कि निश्चित तौर पर यह स्पष्ट माना जा रहा है कि अब जब तमाम बड़े बड़े प्रशासनिक अमले बंगाल हिंसा को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और इसी कड़ी में अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है, इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी सफाई में एक के बाद एक झूठी बयानबाजी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।